कैसे बना है, अगर इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कैसे बना है तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। बैक साइड आपका फ्लावर बन और यहाँ पफ कैसे क्रिएट किया गया है, इसमें पुलिंग कैसे किया गया है, वेरिएशन कैसे क्रिएट किया गया है, ये सारा डिटेल इस वीडियो में है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल क्लासिक पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ और आज हम लोग सीखेंगे कि पार्टी वेयर हेयर स्टाइल कैसे बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, हेयर को वॉश करना है, ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद उसे अच्छी तरह से कॉम कर लेंगे और कॉम करने के बाद इसे कर लेंगे क्रिम। तो फ्रंट पे हम लोग का क्रिम्पिंग हो चुका, जो ईयर टू ईयर पार्टिंग दिया था। अब टॉप के हेयर को भी क्रिम्प करना है पफ बनाने के लिए। के हेयर भी क्रिम्प हो चुके हैं और फ्रंट का पहले हो ही चुका था। अब इसके बाद ये जो हमारा बैक साइड का हेयर है इसको होल्ड करेंगे ऐसे, और बैक साइड का जो हमारा हेयर है जिसको हम क्रिम्प नहीं किए हैं इसको बनाना है बन। तो इसको ऐसे रबर बैंड से पोनीटेल बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? कैसे लिया, रबर बैंड लिया, ये इस तरह से सब लॉक कर लेना है और इस तरह से टाइट कर लेंगे। ये पोनीटेल बन गया। पहले हम पफ बनाएंगे। ठीक है, तो पफ बनाने के लिए हम पतला पतला सेक्शन लेंगे और उसको बैक कॉम करेंगे ऐसे। ये सेक्शन लिया, होल्ड किया और ऐसे बैक कॉमिंग कर लिए। क्लियर? यस मैम। बहुत तेज इसको दबाएंगे नहीं, ठीक है, हल्के हाथ से। और उसके बाद से फिर दूसरा सेक्शन लेंगे, पतला सा सेक्शन और लेंगे और उसे भी हल्का हल्का बैक कॉमिंग करेंगे। बाकी हेयर है उसको इसी तरह से ऐसे कॉम करना है, इस तरह से। सामने से आपको देखना है ना कि कितना ज़्यादा आपको पफ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी हाइट रखनी है, नहीं तो आप ऐसे इस तरह से करके इसको सेट कर दीजिए, कम कर दीजिए। ठीक है, हाँ, हाइट देना है उसके अकॉर्डिंग हाइट देंगे, अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से होल्ड करके रखेंगे, फिंगर से इसको होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, होल्ड करके रखने के बाद यहाँ पर हमको थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट करने के लिए ये ऐसे हेयर को लेना है, ऐसे नेल से पकड़ना है और ऊपर की तरफ ऐसे खींच देना है हल्का सा। ठीक है, इस तरह से वेरिएशन डालना है इसमें और फिर एक इंच की गैपिंग रखनी है, फिर दूसरा थोड़ा सा हल्का सा ऐसे खींचना है, थोड़ा सा बहुत पास पास नहीं करना है, एक एक इंच की गैप पे करना है। अब ये क्लियर हो गया। yes, उसके बाद से इसको यू पिन से लॉक करके रखेंगे, दोनों साइड से लॉक करेंगे। ठीक है, और बैक साइड से भी स्प्रे करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका बिना क्रीम को हेयर है और इसके ऊपर आ गया क्रीम हेयर, तो अभी लग रहा है कि सारा हेयर क्रीम है। ठीक है, अब हम फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट पे आकर ये हमारा जो आईब्रो का कॉर्नर है यहाँ से पार्टी करेंगे ऐसे, फिर को सीधा ये हेयर जो हैं इनको ले आएंगे यहाँ पे, पोनी के पास, और इसको करेंगे ऐसे ऐसे फिंगर में होल्ड करेंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन डालेंगे ऐसे। ठीक, यहाँ से एक इंच की गैपिंग रखेंगे, फिर यहाँ से ऐसे थोड़ा सा पकड़ें और इसको हल्का सा खींच देंगे, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक इंच की गैप आ गई और ये पुलिंग हो गया और ये पुलिंग हो गया। ठीक है, क्लियर है? जिग जैग बनाएंगे ऐसे,
चिक चिक पार्टिंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हल्का सा विंग्स क्रिएट करने के लिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसमें से दो भाग डिवाइड करेंगे, दो हिस्सा, ठीक है। यह है यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे। अब इसको करेंगे रोल, ठीक है। रोल करके इसमें वेरिएशन करेंगे, रोल एंड फूलिंग। उसके लिए क्या करना है, ये चीज़ हैंड को ऐसे रखना, ये हैंड ऐसे रखेंगे यहाँ और इस तरह से टर्न कर देंगे, ठीक। जो हमारी पोनी बनी हुई है वहीं पर डाल के इसको लॉक करना है। ये इसको ऐसे ऊपर की तरफ कॉम करके 90 पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद अभी बताएं इस तरह से फिंगर रखें और इस तरह से रोल कर लें, यहाँ पोनी के साथ इसको लॉक करना है, ठीक है। इसको आप दो तरह से बना सकते हैं, एक तो डाउन फॉल में बनाएंगे ऐसे करके, ये फोरहेड चौड़ा है तो यहाँ पे ऐसे डाउन करके इस तरह से सेट कर लेंगे, ये तो ये फोरहेड कवर हो गया। और यहाँ पे दो एक टेक्निक ये हो गई, इस तरह से मतलब चौड़े फेस पे या फोरहेड ज़्यादा चौड़ा है उसको कवर करने के लिए, और एक जो है थोड़ा सा हाइट देने के लिए, जैसे किसी का फेस छोटा है पतला तो वहाँ पे थोड़ा हाइट देने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे अप करेंगे ऊपर की तरफ, इस तरह करेंगे। और बाकी जो है इसको यहाँ पे डाउन कर देंगे, इस तरह से फॉलिंग कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे। अब सेकेंड साइड से ये वाले और जो साइड के हैं तो साइड में भी आप ये सिस्टम कर सकते हैं, जैसे इधर से रोल करके पुलिंग किया है, और नहीं तो एक साथ लेंगे, तो हम यहाँ पे एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से बैक कॉमिंग कर लीजिए, कॉफी करेंगे और उसके बाद से इसको ऐसे कॉम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पफ है और पफ के साइड से इसको लेके आएंगे, यहाँ पे सामने से देखेंगे कितना हमको चाहिए, ठीक। पहले तो इसको सेट करेंगे, सेट करने के बाद फिर इसमें वेरिएशन डालना है तो डालेंगे, ठीक है। तो फ्रंट साइड की हेयर स्टाइलिंग करने के बाद हम बैक साइड आ जाएंगे। बैक साइड से हम पोनी करके रखे हुए थे, अब उसको क्या करना है, बन बनाना है। और ये यहाँ से ऐसे रोल करेंगे इस तरह से, जितने हेयर हमारे बिना क्रीम के हैं, ठीक है। और यहाँ पे बन बना देंगे इसको, ये हमारा बन बन के तैयार हो चुका है। अब इसको ओपन कर देंगे ऐसे, यहाँ से एक पतला सा सेक्शन लेना है ऐसे, इसको कॉम करना है, स्प्रे करना है, इसको घुमाया ऐसे टर्न कर दिया, ठीक। ये टर्न हो गया। अब ये वाले हेयर हैं इसको स्प्रे करना, होल्ड करना है यू पिन से, इस तरह से इसको अच्छी तरह से सेट करना है। और पतले पतले सेक्शन लेंगे और इस तरह से टर्न करेंगे, अलग अलग पंखुड़ी क्रिएट करते हुए जाएंगे। एंड पॉइंट को लॉक करेंगे।
इसका। एंगेजमेंट ब्राइडल को भी दे सकते हैं और पार्टी वेयर का अगर कोई जा रहा पार्टी में तैयार होके तो उसको भी आप बना सकते। तो ये हमारा बन बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पे पॉप बन गया है और फ्रंट पे वेरिएशन क्रिएट कर दिया गया है रोलिंग के साथ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये हेयर स्टाइल पसंद आया तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे भी बहुत बेहतर करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय। भी आप बना सकते हैं।